आज हम आपको बताएंगे बोट रग्बी ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है। जैसा कि आप नाम से देख ही पा रहे हैं कि इसकी जो शेप है वो एक रग्बी की बॉल की तरह है, जो रग्बी में यूज़ होती है उसी की तरह इसकी शेप है। ये काफ़ी बेहतरीन ब्लूटूथ स्पीकर है। मुझे अभी इसको यूज़ करते हुए करीब एक साल लगभग हो गया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसका जो रिजल्ट है काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसकी ऑडियो काफी अच्छी है, इसमें बेस भी बहुत बेहतरीन है। अभी हम आपको इसका साउंड सैंपल सुनाएंगे। ये इसके सबसे पहले हम फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर ये आपका ऑन ऑफ का बटन है। ये माइनस ऑडियो होती है इससे, या आपकी ऑडियो इंक्रीज होती है, ये डिक्रीज। ये आपके कॉल अटेंड करने का बटन है, इससे कॉल अटेंड आप इससे कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है कॉलिंग के लिए। ये आपका माइक है, ये देखिए। ये आपकी यहाँ से ब्लूटूथ ये स्पीकर हमारा चार्ज होता है। ये आपकी ऑक्स केबल के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस आपकी इसकी बैटरी चार्ज नहीं है तो ऑक्स के थ्रू भी आप इससे सुन सकते हैं। ये नीचे बोर्ड की ये नीचे बैंडिंग भी हुई है। इनपुट इसका 5 वोल्ट डीसी, पावर आउटपुट है 5 वाट। इसमें 10 वाट के स्पीकर्स हैं, 5-5 वाट के इसमें दो स्पीकर हैं। आप शायद ये देख पा रहे होंगे ये स्पीकर, ये इसमें दो स्पीकर हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इनमें अच्छा बेस है इन स्पीकर्स में, काफ़ी अच्छी इनकी ऑडियो है। ये साथ में इसको पकड़ने के लिए दिया है ताकि आप भी इसको कहीं ड्रॉप ना कर दें। तो ये था इसका फिजिकल ओवरव्यू। ये इसमें रबराइज मटेरियल है, इससे ये पैक रहती है, ये बिल्कुल पैक रहता है इस तरह से। काफ़ी अच्छा ये स्पीकर है। अब हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें जैसा कि हमें पता है कि इसमें 10 वाट का स्पीकर है। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 1800 mAh की इसके अंदर बैटरी है। रिचार्जेबल LiON बैटरी है इसमें। इसमें जो यूज़र टाइम है, जो आप इसको फुल चार्ज करने के बाद आप इसको 8 घंटे लगातार इसमें ऑडियो सॉन्ग्स आप इसमें गाने सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट है। एक बार फुल चार्ज होने में इसको बैटरी को लगते हैं लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में आपको इसकी बैटरी पूरी फुल चार्ज हो जाती है। इसमें इनबॉक्स कंटेंट में आपको ये केबल मिलती है, इसमें चार्जिंग एडेप्टर नहीं मिलता, सिर्फ ये केबल मिलती है। और अब मिलती है आपको ऑक्स, ये ऑक्स की छोटी सी केबल मिलती है, काफ़ी छोटी है लेकिन ठीक है, काम चलाओ। ये आपको ऑक्स केबल इसकी मिलती है और ये माइक्रो USB टू USB आपको ये केबल मिलती है। ये इसके साथ में आपको मिलता है दोनों चीज़ें। इसकी रेंज करीब करीब 10 मीटर की है। 10 मीटर की रेंज में आप आराम से गाने, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको डिस्ट्रैक्शन महसूस नहीं होगा। इसकी सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट बात जो है इसका बेस है। इसका बेस काफ़ी अच्छा है, बोट फेमस है इसलिए कि आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छा आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है बोट जो ब्रांड है। और ये काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा ब्रांड बन गया है, काफ़ी अच्छा ब्रांड उभर कर आया है, सिर्फ इस वजह से कि ये अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है और उनका रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं। ये हम आपको इसमें चार्जिंग पर लगा के दिखाते हैं। ये इसमें यहाँ से चार्ज होता है। जब आप इसको चार्जिंग पर लगाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर की ये लाइट ब्लिंक होगी। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट आपकी ब्लू हो जाएगी। ये फुल चार्ज होने के बाद ये अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। अभी हम आपको इसे कनेक्ट करके दिखाते हैं कि ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट होता है। ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम प्रेस करके रखेंगे। Discovering. ये इस तरह की इसमें साउंड आती है, ये लाइट आपकी ब्लिंक होती रहेगी जब ये ब्लूटूथ। Pairing successful. ये देखिए, ये पेयरिंग हो गई है हमारे मोबाइल से, इसको हमने पेयर कर लिया है। अब हम आपको इसका एक साउंड सैंपल सुनवाते हैं।
ये कुछ इसके ऑडियो सैंपल्स थे, आपने सुने, आप सुन खुद सुनकर आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी ऑडियो कैसी है। ये इसको ऑफ करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे इसको बंद करना पड़ेगा, प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये देखिए आपका बंद हो गया है। तो काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट है, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। ये ब्लूटूथ स्पीकर आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। ये एक बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा इसका साउंड है, बेहतरीन है ये ब्लूटूथ स्पीकर है आपका। और ये जो हमारा बोट पटबी ब्लूटूथ स्पीकर है, ये एक तरह से स्प्लैश प्रूफ भी है, जिसकी वजह से अगर हम आउटडोर में कहीं जा रहे हैं तो अगर हल्का फुल्का इस पर पानी कहीं से गिर भी जाए तो ये ख़राब नहीं होगा। आउटडोर के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन ये हमारा ऑप्शन है। कहीं आप बाहर जा रहे हैं, छोटी मोटी हल्की फुल्की आपको आउटडोर हल्की फुल्की पार्टी, ज़्यादा तकड़ी पार्टी नहीं, गैदरिंग अगर 3-4 यार दोस्त आपके बैठे हैं, आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी इसकी बास क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा इसका बेस है, काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा ये स्पीकर है। मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड करूँगा, आप इसको ले सकते हैं। इसकी ऑडियो मेरी पर्सनली इसकी टेस्ट की हुई है, मेरा लगभग 1-1.5 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट है, ये थोड़ा सा ऊपर से हल्का से देख सकते हैं आप, थोड़ा घिस गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये बिल्कुल मेटल का है, ये मेटल की बॉडी है इसके, बिल्कुल आपका कुछ नहीं होगा इसमें अंदर। इसमें स्पीकर जो है बिल्कुल सेफ है, इसके अंदर पैक सील रहते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से पैक है। लेकिन इसके बस एक दो डिमेरिट हैं कि आप इसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का कोई भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कराया गया है, मेमोरी कार्ड इसमें आप नहीं लगा सकते अलग से। और साथ ही साथ इसमें FM की भी कोई सुविधा नहीं है, जैसे आजकल जो दूसरे और ब्लूटूथ स्पीकर्स आ रहे हैं उनमें FM आपको इनबिल्ट मिलता है, इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको FM नहीं मिलता है। तो ये एक तरह से इसका कौन हम कह सकते हैं कि इसमें ये दो आपके डीमेरिट्स इस ब्लूटूथ स्पीकर में हैं। बाकी अगर आपको एक सिर्फ ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ऑडियो क्वालिटी स्पीकर की काफ़ी अच्छी है, बहुत बेहतरीन इसकी ऑडियो क्वालिटी है। साथ में आपको बोट जैसा ब्रांड मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी उभरता हुआ ब्रांड है, जो कि कम प्राइस में आपको बेहतरीन आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अगर आप एक बजट सेगमेंट में ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हैं तो आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को बिल्कुल ले सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। इसको इसका ब्लूटूथ स्पीकर का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। यदि आप एक बजट सेगमेंट में ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो बस यही था, तो ये थी हमारी बोट रग्बी ब्लूटूथ स्पीकर की हमारी रिव्यू वीडियो कि ये स्पीकर कैसा है, इसका आउटपुट कैसा है, इसका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।